Hello friends, a very warm welcome to all of you at my channel. My name is Deya और आज मैं आपको पोर्ट्रेट ड्राइंग लेसन का फोर्थ पार्ट बताने जा रहा हूँ. इससे पहले मैंने तीन पार्ट और बनाया है जिसमें आउटलाइन से लेकर के फेस शेडिंग तक का मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है. तो अगर आपने उन तीन पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, शुरू से पहले पार्ट से लेकर के तीसरे पार्ट तक देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को आप देखिएगा, ठीक है. तो इसमें मैंने हेयर जो है, हेयर का पोर्शन जो बचा हुआ है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. बाकी पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट. थोड़ी बहुत फिनिशिंग जो बची होगी वो मैं लास्ट में कर दूँगा, पहले मैं हेयर का पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. तो हेयर्स के लिए मैं देखिए अभी लाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ एक बार शुरुआत में एक बेस देने के लिए, ठीक है. तो पेपर थोड़ा सा टेक्स्चर्ड है, तो इससे पहले जो मैंने बनाया था वो मैंने दूसरी सीट पे बनाया था, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो वो पेपर थोड़ा स्मूथ था, ये पेपर थोड़ा टेक्सचर्ड है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अलग सा लग रहा है अगर आपने पहले के पार्ट देखे हैं तो, ठीक है. तो इसमें मैं पहले एक बेस लेयर दे दिया है मैंने हेयर के लिए, और बाद में डार्क पोर्शन जो भी है वो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ. और देखिए यहाँ पे मैं जब डार्क पेंसिल से शेडिंग दे रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ लाइंस लाइट अपने आप दिखे दिख रही हैं आपको. तो यहाँ पे मैंने पहले ही एक खाली पेन से यहाँ पे मार्क कर लिया था. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हाईलाइट देना है वहाँ पे आप खाली पेन यूज़ करके पहले से ही आप लाइंस थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे. तो वहाँ पे जब आप डार्क पेंसिल चलाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे वो पेंसिल नहीं चलेगी, तो वो पार्ट वैसे ही हाईलाइट रह जाएगा. तो चाहे तो आप पहले एक लेयर हल्की पेंसिल से ड्रॉ करके तब करिए, क्योंकि सबसे पहले अगर आप यही चीज़ कर लेंगे तो जब आप लाइट पेंसिल चलाएंगे तो वो भी उसके ऊपर नहीं चढ़ेगी, तो बिल्कुल वाइट बाल लगेंगे, तो वो उतना वाइट लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा. तो एक बार लाइट पेंसिल से आप एक लेयर दे करके उसके बाद खाली पेन से आप लाइनिंग करेंगे तो वो तो चलेगा नहीं, लेकिन उसमें कुछ दरार बन जाएंगी. और जब दोबारा से आप डार्क पेंसिल से शेड करेंगे तो वहाँ पे वो डार्क पेंसिल नहीं चढ़ेगी, ठीक है. तो वो पोर्शन लाइट अपने आप हो जाएगा, अपने आप लाइट रहेगा. तो यहाँ पे मैंने लाइट पेंसिल देने के बाद, लाइट पेंसिल से शेड देने के बाद थोड़ा सा मैंने खाली पेन से यहाँ पे लाइंस कर दिया था, तो इस वजह से ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जो राइट साइड में आप देख सकते हैं. और बाकी मैं पूरे पोर्शन में एक लेयर दे रहा हूँ, और अभी इसको थोड़ा ब्लेंड करना पड़ेगा क्योंकि टेक्सचर्ड पेपर है, तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा अगर हम धीरे धीरे करेंगे. तो इस तरह से मैंने जल्दी से थोड़ा सा कर दिया है और उसको ब्लेंडिंग स्टंप से मैंने ब्लेंड कर दिया है. तो यहाँ पर आसानी से देखिए पूरे अब लग रहा है कि हाँ फैल गया है पूरे सीट पे. तो अभी यहाँ पे और डार्क करना पड़ेगा, ठीक है. तो मैं यहाँ पे डार्केस्ट पेंसिल 8B का यूज़ कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा और डार्क करने के लिए. तो ऑब्जर्व आपको रेफरेंस फोटो में देखना है, रेफरेंस फोटो जो मैंने तीन पार्ट पहले बनाए हैं उसमें रेफरेंस फ़ोटो भी मैंने आपको दिखाया है कौन सी है, तो उसमें आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन अभी मैं यहाँ पे शेड दे रहा हूँ काफ़ी डार्क है, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ. और जहाँ पे हाइलाइट्स है वहाँ पे मैंने खाली पेंसिल बनाया था. इसके अलावा आप बाद में भी इरेज कर सकते हैं इरेजर पेंसिल से, लेकिन जब आप पहले से ही डार्क आप कर देते हैं तो इरेजर पेंसिल से इरेज नहीं होता आसानी से, तो इस वजह से आप ये टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक लेयर लाइट पेंसिल से दे करके आप जो हाईलाइट देना है वो जगह आप छोड़ते जाइए, आप इस तरह से शेडिंग करिए. तो ये मैंने आपको एक टेक्निक बताने के लिए यहाँ पे इस तरह से किया है, अदरवाइज़ मैं लाइट शेड दे करके उसके बाद फिर डार्क शेड देता हूँ, और जहाँ पर लाइट थोड़ा हल्के कल शेड रखने हैं बालों के वहाँ पे मैं डार्क पेंसिल नहीं चलाता हूँ, इस तरह से मैं शेडिंग करता हूँ.
तो इसी तरह से आपको भी करना है। तो आप अगर बिगिनर हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप एक लाइट पेंसिल से 4B या 5B से आप पहले एक लेयर दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद डार्क पेंसिल आप यूज़ करिए डार्क एरियाज़ को सेट करने के लिए, और जहाँ पे हाईलाइट देना है वहाँ पे लाइट पेंसिल्स जहाँ पे आपने यूज़ किए वहाँ पे हाईलाइट आप इरेजर पेंसिल से जैसे मैंने अभी किया है वहाँ पे आप कर सकते हैं। और बाकी जहाँ पे थोड़ा सा लाइट रखना है तो वहाँ पे आप छोड़ते हुए डार्क आप करते जाइए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करते जाना है। तो दोस्तों ये टेक्सचर्ड पेपर है, थोड़ा सा उतना रियलिस्टिक इसमें नहीं आ रहा है, स्मूथ पेपर पे करते तो और ज़्यादा रियलिस्टिक होता। ये मैंने ब्रिस्टो कंपनी का पेपर यूज़ किया, एक साइड इसका टेक्सचर होता है और दूसरा साइड जो है वो स्मूथ होता है। तो मैंने इससे पहले जो 3 पार्ट बनाया था वो मैंने टेक्सचर साइड नहीं यूज़ किया था, इसीलिए मैंने इस दफ़ा जो 4th पार्ट है इस बार मैंने टेक्सचर साइड यूज़ किया है, और स्मूथ साइड मैंने बाकी जो इसके पार्ट बनाए थे वो मैंने नॉर्मल पेपर पे ही बनाया था, जो नॉर्मल कॉटेज पेपर होता है उसी पे मैंने बनाया था। तो वो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं होती उसकी, ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का पेपर है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप उस पर कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये पूरा पोर्ट्रेट बनके तैयार हो गया है कुछ इस तरह से फिनिशिंग के बाद। उम्मीद करता हूँ ये पोर्ट्रेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं, पेंटिंग या फिर स्केचिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी ट्यूटोरियल्स पेंटिंग और स्केचिंग में अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Take care.